तो मेरे ख्याल से अभी हम लाइव है। कि पर मुझे फटाफट बता दीजिए, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मुझे बता दीजिए। स्क्रीन वगैरह तो मेरे ख्याल से सब परफेक्ट है। और काफ़ी सारे कुछ कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर एकदम अनप्रोफेशनल लेवल है, रात के 1:30 बजे 2 बजे आ जाते हैं अचानक से कुछ पढ़ाने के लिए। समझ लीजिए अभी मैं आपका स्टूडेंट जैसा ही हूँ, हम दोस्त की तरह फटाफट इन डेस्क वर्सेस ईएस का कुछ कुछ छोटा छोटा डिफरेंसेस है वो फटाफट से हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि ना सब कुछ आ रहा है ना, सारी चीज़ें मतलब ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है ना, एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए। तो जो रात के 1:30 बजे अचानक से आ गया मैं, मुझे भी शर्म आ रही थी कि आऊँ कि ना आऊँ, बट कोई ना फटाफट हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इंडस 23 का एमटीपी का क्वेश्चन था, 1 मिनट लगेगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, इंडस 23 का एमटीपी का क्वेश्चन था, जहाँ पर हमने क्या किया था, पिछले साल हमने 1.875 करोड़ का बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज किया था। और अगले साल आईसीए ने पहले क्या किया था, हालांकि जो बोरिंग कॉस्ट पिछले साल का कैपिटलाइज हुआ है, अगले साल उसको भी एक्सपेंडिचर मानते हुए, क्योंकि ये भी तो हमारा खर्चा लगेगा, बोरिंग कॉस्ट अगर हमने कैपिटलाइज किया है ये हमारा खर्चा है, तो इस पे भी हम अगले साल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। हालांकि आईसीए ने नहीं किया था, तो मैंने भी सोचा आईसीए के हिसाब से रहने दे, तो मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बट बाद में आईसीए ने करेक्शन कर दिया था, वो नई वाली पीडीएफ में उन्होंने करेक्शन कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा 1.875 करोड़ जो है ना, यहाँ पर अब आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको इस पे भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। यानी हमने वहां पर किया था 45 करोड़, 45 करोड़ तो है ही आपका, 45 प्लस 1.875 करोड़ यानी 46.875 करोड़ पे आप क्या करोगे, 10% × 3/12 आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। ये ध्यान रखना, मैंने टेलीग्राम में भी इस बारे में बता दिया था आपको। चलिए तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं, हम अपना एएस वर्सेस इंडेस का डिफरेंस का डिस्कशन करते हैं। एएस और इंडेस के अंदर तीन ही है, रेवेन्यू, लीजेस और इनकम टैक्स, ये तीन का ही हमें डिफरेंसेस डिस्कस करना है, और कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, और फटाफट से हम कर लेंगे। एक दो बच्चे पूरे जान लोगे क्या, नहीं लूंगा, फटाफट 10-15 मिनट में फटाफट से निपटा देंगे, जितना जल्दी हो सके निपटा देंगे। चलिए देखिए, इंडेस 115 और AS7 AS9 की हम बात करते हैं। आपको याद होगा पहले AS7 AS9 हुआ करता था, AS7 बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड डील करता था, और AS7 में हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनेटली जितना हमारा काम कंप्लीट हुआ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है, उतना हम प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू दिखाते थे। और AS9 में हम क्या करते थे, जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, उसके बारे में AS9 आपको गाइड करता था कि रेवेन्यू कैसे दिखाओगे। तो AS9 ही हमें गाइड करता था कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड का रेवेन्यू कैसे दिखाओगे, वो AS9 ही हमें गाइड करता था। और AS9 के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में गाइडेंस दी गई थी कि हम कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आपका इंडेस में इंडेस 115 जो है वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, दैट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड का गाइडेंस नहीं देते। इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में कौन बताएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडेस 115 में हम क्या करते हैं, आपको पता है इंडेस 115 के अंदर जो रेवेन्यू है, अगर मान लीजिए मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचा है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे आपसे, कितने पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्राइस लिखा वो मैटर नहीं करेगा, मैं देखूंगा मुझे कितना एक्सपेक्टेड प्राइस आपसे मिलेगा। मान लो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, पर मुझे लगता है मुझे आपसे 5,000 रुपीज ही मिलेगा, तो 5,000 तक का ही मैं ट्रांजेक्शन प्राइस मानूंगा एज पर इंडेस 115। लेकिन आपका AS7 AS9 में ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया गया, वहां पर हम पूरा का पूरा ही दिखाते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात, मैंने कहा था इंडेस 115 डील नहीं करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील करता है, लेकिन AS7 जो है वो AS7 तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू डील करते हैं, AS9 जो हो गया वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड के बारे में भी बताते हैं। ये मैंने फटाफट से आपको बता दिया। फिर अगर मैं आके बात करूँ मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू की, तो मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू में आप ध्यान रखो, हम GST वगैरह यानी जो भी पैसा हम थर्ड पार्टी के लिए उठाते हैं, जैसे मैंने आपसे लिए 10,000 प्लस GST, तो GST अमाउंट मैंने अपने लिए नहीं लिया, थर्ड पार्टी के लिए लिया है, सरकार के लिए लिया, तो वो रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होता है। बट अगर हम AS9 की बात करें, तो AS9 में जो भी हमें ग्रॉस इनफ्लो आपसे मिलना होता है वही हम दिखाते हैं। वहां पर कोई सेपरेट गाइडेंस नहीं दी गई है कि थर्ड पार्टी के लिए अगर आप कोई पैसा उठा रहे हो, जैसे कि GST वगैरह, उसके मामले में कोई गाइडेंस नहीं दी गई है। तो जो भी ग्रॉस इनफ्लो है वो पूरा का पूरा ग्रॉस इनफ्लो हम दिखाते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि कितना हम कस्टमर या क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं, उतना हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा इंडेस 115 में आपको याद होगा हम क्या करते थे, इंडेस 115 के अंदर 5-step मॉडल में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है ना, उसके बाद में पीओ कितना है, सेपरेट पीओ को आइडेंटिफाई करते थे, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करते थे, फिर एलोकेट करते थे, फिर फाइनली रेवेन्यू तोड़ तोड़ के दिखाते थे। वो डिपेंड करता था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या फिर एट ए पॉइंट इन टाइम में।
फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन AS9 में ऐसा नहीं है। AS9 में जब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है, सिग्निफिकेंटली यानी पूरा का पूरा जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है तब भी हम रेवेन्यू दिखाते हैं, अदरवाइज हम रेवेन्यू नहीं दिखाते। हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS7 में आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस में प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू दिखा सकते हो, बट गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में ऐसा कुछ प्रोपोर्शनेट नहीं था। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर की आप रेवेन्यू दिखा दो, तो ये फर्क था। लेकिन Ind AS 115 में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज तो अगर वहां पर आपको दिख रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा तो हम तोड़ तोड़ के दिखा सकते थे, बट AS9 में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के, और कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था तोड़ तोड़ के दिखाने वाला चीज। तो ये हमने डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको पता होगा जैसे Ind AS 115 में मेजर मल्टीपल्स यानी PO के हिसाब से हम रेवेन्यू दिखाते, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मान लो 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का अलग अलग से तोड़ तोड़ के रेवेन्यू दिखाया जाता था, बट AS7 AS9 में ऐसा कोई PO के बारे में डिस्कशन ही नहीं है, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया वहां पर, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे नजर में इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट का जो खर्चा वो कैपिटलाइज करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट एज पर Ind AS 115 और उसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी ओवर द कॉन्ट्रैक्टर हम रेवेन्यू दिखाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट में भी जो आपके सॉफ्टवेयर हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, एसेट हो गया, डिजाइनिंग कॉस्ट हो गया, उसमें हम क्या करते थे जो जो एसेट के लिए अदर इंडेक्स स्पेसिफाई किया हुआ है तो वहां पर उस हिसाब से उसको एसेट दिखाते हुए हम क्या करेंगे उसका डेप्रिसिएशन वगैरह करेंगे। और जिसके लिए कोई भी इंडेक्स का गाइडेंस नहीं जैसे डिजाइनिंग कॉस्ट तो उसको हम क्या मानते थे कॉन्ट्रैक्ट एसेट मानते थे और उसे हम एमोर्टाइज करते थे ओवर द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट में हमें कैपिटलाइज करने को दिया जाता था वो खर्चा है ना, लेकिन AS7 AS9 में कोई कैपिटलाइजेशन के बारे में नहीं बोला गया, कुछ भी आप खर्चा करते थे तो आप उसको सीधा खर्चा ही दिखाते थे, कोई कैपिटलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं था वहां पर। तो ये था। अब कॉम्बाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते थे कॉम्बाइन भी कर सकते थे, जहां पर हमें दिख रहा है कि दो या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को हम नेगोशिएट करो ऐसा सिंगल पैकेज, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है ना वो डिपेंड करता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से, तो वहां पर हमने कॉम्बाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसेप्ट था तो वो हम यहाँ पर लगा सकते थे, मतलब दो या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन किया जा सकता है, बट AS 7 9 में ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं दिया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कंसेप्ट था, हम क्या करते थे कि अगर मान लीजिए डेफर्ड कंसीडरेशन मिलता तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का हमारा जो कंसेप्ट था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हम एडजस्ट करते थे रेवेन्यू को, आपको याद होगा रेवेन्यू को कैसे एडजस्ट करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से एडजस्ट करते, अगर एडवांस में पैसा मिल गया तो रेवेन्यू हम थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे इंटरेस्ट ऐड करके, अगर हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल के हम रेवेन्यू दिखाते हैं, और वहां पर ओवरराइडिंग प्रोविजन भी था कुछ कुछ मामले में। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है आपके Ind AS 115 में, बट AS9 रेवेन्यू में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं है, जितना अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलेगा उतना ही रेवेन्यू दिखाया जाता था, वहां पर कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं है। फिर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट आपको याद होगा जो भिलवाड़ा वाला टोल प्रोजेक्ट हमने जो क्वेश्चन किया था है ना, ग्रांटर ऑपरेटर जो है ना सरकार हमें टोल का जो देती इलस्ट्रेशन 75 हमने किया था, तो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट जो है वो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर Ind AS 115 में, बट आपका AS के अंदर ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं दिया गया। तो बस इतना ही यहाँ पर फटाफट से मैंने बताया आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी Ind AS 115 में है बट AS में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्या कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं Ind AS में, बट AS में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर सेपरेट PO मानते हुए अलग अलग से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, AS में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू जो है यहाँ पर 5-स्टेप मॉडल में दिखाया जाता है, बट AS के अंदर रिस्क एंड रिवार्ड जब ट्रांसफर होता है तब हम रेवेन्यू दिखाते हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हम रेवेन्यू दिखाते हैं। फटाफट बताया यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू आपका GST हम एक्सक्लूड करके रेवेन्यू दिखाते, बट AS में हम ग्रॉस इनफ्लो के हिसाब से रेवेन्यू दिखाते। इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील करते हैं, Ind AS 115 डील नहीं करते, बट AS 9 डील करता था इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में भी। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, जितना पैसा हमें लगता है एक्सपेक्टेड हमें मिलेगा हम उतना ही रेवेन्यू मानते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी गाइडेंस नहीं है AS के अंदर। तो फटाफट मैंने ये सारा बता दिया, आप बताइए आपको समझ में आया। तो अब मैं आगे आपको Ind AS 12 बताना चाहता हूँ। तो Ind AS 12 बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ रिगार्डिंग Ind AS 19, हालांकि वो नहीं है पर फिर भी उसका AS के मामले में क्या कुछ क्या पता पूछ ले आपको। AS 15 और Ind AS 19 की मैं बात बताना चाहता हूँ, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट में बस एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्ट सर्विस कॉस्ट में हम देखते थे जो पहले AS में हम क्या करते थे जो वेस्टेड ऑप्शन होता था उसका तो पास्ट सर्विस कॉस्ट पूरा का पूरा खर्चा हम दिखा देते थे पीएनएल में जाता था, बट अनवेस्टेड ऑप्शन के मामले में पांच सर्विस कॉस्ट जितना रिमेनिंग पीरियड है वेस्ट होने में उसमें तोड़ तोड़ के दिखाया जाता था AS में, बट Ind AS में
चाहे वो वेस्टेड हो चाहे अनवेस्टेड हो, पास सर्विस कॉस्ट पूरा का पूरा खर्चा हम आज ही दिखा देते, तो ये फर्क था। लेकिन एएस में अनवेस्टेड के मामले में, अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट के मामले में हम क्या करते थे, हम उसे ओवर द रिमेनिंग पीरियड हम तोड़ तोड़ के दिखाते, ये एक फर्क ध्यान रखना। और दूसरा फर्क एक और ये जो रीमेजरमेंट गेन या लॉस वगैरह हम क्या करते हैं ओसीआई में दिखाते है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट में, बट एएस में तो ओसीआई को कंसेप्ट ही नहीं था, वहां पर जो भी जाता था सारा पीएनएल वगैरह में जाता था, ओसीआई का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में आपको बता दिया फटाफट से। अब मैं आपके साथ बात करूंगा इंडेस 12 वर्सेस एएस 22 के बारे में बात करूंगा। यस एमसीक्यू में आ सकता कुछ क्वेश्चन, तो मैं फटाफट से आपको बता दे रहा हूँ एमसीक्यू में आ गया, या छोटा सा 2-3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा आएगा भी तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एमटीपी वगैरह में भी नहीं है, बट फिर भी क्या पता आ गया तो हम संभाल लें, तो इसलिए हम फटाफट से डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इनकम टैक्सेस के बारे में बात करें, इंडेस 12 और पहले होता था एएस 22 इनकम टैक्सेस। इंडेस 12 में आपको पता होगा बैलेंसड अप्रोच से हम मेजर करते हैं, जो भी डेफर्ड टैक्स है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, दैट इज टेंपरेरी डिफरेंस हम निकालते हैं, जिसे हम टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस बोलते हैं, फिर डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस बोलते हैं। टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस कब आता है, डीटीएल होता है, डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस में हम डीटीए बनाते हैं। बैलेंसड अप्रोच के हिसाब से हम कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स और कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स, जिसे हम टैक्स बेस बोलते हैं, उस हिसाब से निकालते हैं बैलेंसड अप्रोच में, बट एएस 22 में ऐसा नहीं होता है। एएस 22 में हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के हिसाब से निकालते हैं, यानी इनकम अप्रोच के हिसाब से निकालते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना, उसका डिफरेंस हम लेते थे है ना। और दूसरा भी कुछ अगर इंटरेस्ट इनकम हमारे हिसाब से कितना है, उनके हिसाब से कितना, मतलब जो भी डिफरेंसेस लिया जाता था वो इनकम के बेसिस में लिया जाता था। बट अभी अगर हम बात करें इंडेस के अंदर, हम बैलेंसड अप्रोच लगाते जहां पर हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करते हैं, ना कि हम इनकम्स को कंपेयर करते हैं, बट एएस के अंदर आप इनकम्स को कंपेयर करते हो। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर हम टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस होता है हमारा बैलेंसड के अंदर, बट वहां पर टाइमिंग डिफरेंस होता था। फॉर एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंडेस में टेम्परेरी डिफरेंस बोला जाता है क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में डिफरेंस है उसे हम टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं, बट वहां पर इनकम अप्रोच लगाया जाता है तो वहां पर हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। और कुछ कुछ वहां पर परमानेंट डिफरेंस भी होता है, जहां पर जैसे डोनेशन वगैरह ये सब परमानेंट डिफरेंस होते थे, बट इन डेज के अंदर आपका अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस होगा या फिर टेम्परेरी डिफरेंस होगा, और वहां पर टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस हुआ करता था। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। फिर इसके अलावा डीटी के बारे में अगर हम बात करें, तो डीटी के बारे में हम ये देखते हैं कि प्रोबेबल, हम प्रोबेबल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबल वर्ड का मतलब ये होता है 50% से ज्यादा, मतलब हमें लगता है कि प्रोबेबल है कि फ्यूचर में सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट होगा तभी हम डीटीए बनाते, अदरवाइज हम नहीं बनाते। जैसे प्रोबेबल किस किस चीज का, फ्यूचर में मान लीजिए सफिशियंट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा जिसके चलते आप डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को एडजस्ट करोगे, या फ्यूचर में सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट आपका अराइज होगा है ना, ये हमने देखा था, या फिर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है तब हम डीटीए क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज डीटीए क्रिएट नहीं कर सकते। बट अगर मैं एएस 22 की बात करूं, तो एएस 22 में प्रोबेबल वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, रीजनेबल सर्टिनिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कितनी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल, हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी हम डीटीए बनाते, अदरवाइज नहीं डीटीए बनाते। वहां पर प्रोबेबल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां पर रीजनेबल सर्टिनिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया, एक तो ये बात है। दूसरी मान लीजिए आपका जो अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस आपका है, तो वहां पर तो ऐसे भी कंफर्म है कि वो लॉस में चला, आगे क्या कंपनी फ्यूचर में पैसे कमाएगी, तो उसका डीटीए बनाने के लिए हम देखते थे हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, और अदर कन्विंसिंग एविडेंस यही होता है, अदर कन्विंसिंग एविडेंस ये होता है कि फ्यूचर में सफिशियंट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट होगा जिसके साथ आप डीटीए एडजस्ट करोगे। लेकिन अगर आप एएस 22 की बात करोगे, तो वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वर्चुअल सर्टिनिटी, और वर्चुअल सर्टिनिटी का मतलब होता है 95% और मोर आपका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, 95% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तभी हम अनयूज्ड टैक्स लॉसेस है ना, ये सब में आपका हम क्या करते हैं डीटीए बनाते, अदरवाइज नहीं बनाते। मतलब एएस के अंदर वर्चुअल सर्टिनिटी भी होना पड़ेगा और कन्विंसिंग एविडेंस दोनों होना पड़ेगा, बट इन डेज के अंदर वर्चुअल सर्टिनिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर प्रोबेबल होने से चलेगा, प्रोबेबल प्लस कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। इंडेस के अंदर क्या प्रोबेबल प्लस कन्विंसिंग एविडेंस, और एएस के अंदर क्या वर्चुअल सर्टिनिटी प्लस कन्विंसिंग एविडेंस, यानी वर्चुअल सर्टिनिटी हमारे इंडेस में कोई काम नहीं, इसका वर्चुअल सर्टिनिटी का यूज नहीं किया जाता, पर एएस के अंदर लॉसेस के मामले में हमें वर्चुअल सर्टिनिटी को चेक करना होता है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, वर्चुअल सर्टिनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डीटीए डिटेल आपका, उसका जो डीटीए डिटेल का इंपैक्ट है इंडेस में ओसीआई में भी जा सकता है, पीएनएल में भी जा सकता है, इक्विटी में जा सकता है, डिपेंड करता है। जैसे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ओसीआई में गया तो उससे रिलेटेड डीटीएल भी आपका ओसीआई में जाएगा, बट एएस के अंदर ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया। एएस में जो भी आपका डीटीए डिटेल बनता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पीएनएल के साथ ही उसका इंपैक्ट पड़ता है, एक्स्ट्रा से कुछ भी ओसीआई इक्विटी का कोई रूल ही नहीं पड़ता है एएस,
बट इन डेस्ट में हमने देखा था ओसीए में भी जा सकता है, इक्विटी में भी जा सकता है, पीएनएल में भी जा सकता है, डिपेंड करता है वो किससे डीटी डिटेल बना है, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम आपका अगर ओसीए में गया तो डीटी डिटेल भी आपका ओसीए में जाएगा। और एक बात, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, वहां पर भी हम देखते थे कैरिंग अमाउंट अगर आपका डिफरेंस है टैक्स बेस थे तो वहां पर भी डीटीए डिटेल बनाते थे। और एक हमने कंसेप्ट देखा था कि मान लीजिए हम ना रिवर्सल को रोक लगा सकते हैं फ्यूचर में, परमानेंटली रोक लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कभी रिवर्सल होगा नहीं, कंट्रोल कर सकते है ना, टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी रिवर्सल होगा नहीं, तो ऐसा सिचुएशन में डीटीएल नहीं भी बनाते थे। तो वो कंसेप्ट आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर वाला है ना, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर है इंडेस में, बट ईएस में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। यस यस, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। तो आपको याद होगा जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गुड्स बेचा, मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें मैं टैक्स दूंगा सरकार को। लेकिन मान लीजिए जब हम कंसोलिडेशन करते तो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं, पर सरकार हमें टैक्स वापस से नहीं लौटाएगी, सरकार तो टैक्स ले जाएगी, तो वहां पर हमारा क्या होता है डीटीए क्रिएट होता था। आपको याद होगा कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा था इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट जब हम एलिमिनेट करते तो डीटीए अराइज होता है। तो डीटीए हम बनाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम डीटीए क्रिएट करते हैं। बट अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। एएस में हम क्या करते थे, पेरेंट सब्सिडियरी का मिला के जितना डेफर टैक्स होता है ना उसको सबको पूरा एकदम कंबाइन करके दिखा देते थे। मेरा डेफर टैक्स 50 रुपीस है, आपका डेफर टैक्स 20 रुपीस है, एग्रीगेट करके 70 रुपीस दिखा दो बात करते। बट इन डेज के अंदर बहुत क्लैरिटी जहां पर हम डेफर टैक्स एसेट क्रिएट करते थे, जो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट एलिमिनेट होता था तो वहां पर डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होता था, उस वजह से वो हम दिखाते हैं। पर एएस में ऐसा कुछ भी नहीं, वहां पर सिंपल एग्रीगेशन कर देते हैं। अब फिर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट, रिवॉल्यूशन मैंने बताया था, रिवॉल्यूशन की वजह से आपका क्या होता था डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता था, क्योंकि कैरिंग अमाउंट बदल जाता था और उधर टैक्स बेस आपका वही रहता था, कैरिंग अमाउंट बदल जाता था, तो एसेट बैलेंसड अप्रोच के हिसाब से आपका डीटीएल बनता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ एएस 22 रिवॉल्यूशन के मामले में डील ही नहीं करता था, और एएस 22 में हम रिवॉल्यूशन होने पर हम कोई भी उसका डेफर टैक्स क्रिएट ही नहीं करते वहां पर, डन। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टैक्स हॉलीडे पीरियड के बारे में, एएस ने कुछ डिस्कशन करा था, आपने पहले पढ़ा होगा तो, और आपका जैसे सेक्शन 115 जीबी में अगर आप टैक्स देते हो तो वहां पर भी एएस 22 डील करता था, बट इंडेस डील नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट अगर आपको रिवाइज करूँ, जो जो काम की चीजें वो रिवॉल्यूशन के मामले में, इंडेस में हम डीटीए डिटेल बनाते हैं बट एएस डील नहीं करते। फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस के मामले में हम डीटीए क्रिएट करते हैं, जो टेम्पररी डिफरेंस अराइज होता है उस हिसाब से हम डीटीए डिटेल क्रिएट करते हैं, है ना। तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो हमारा कम हो जाता है इंट्रा ग्रुप के, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की वजह से कैरिंग अमाउंट कम हो जाता है, बट सरकार का टैक्स बेस वही रहता है, तो वो डिफरेंस का हम डीटी डिटेल बनाते हैं। पर एएस 22 में सिंपल एग्रीगेशन कर दिया जाता है पेरेंट सब्सिडरी का, डीटी डिटेल को सिंपल एग्रीगेट कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर के मामले में हम डीटीए क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि हम इक्विटी मेथड लगाते हैं या फिर कंसोलिडेशन करते समय हम फेयर वैल्यू के हिसाब से जो भी हमारी सब्सिडरी ने पैसा कमाया है वो हम उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, हमारा कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है, पर सरकार की नजर में कॉस्ट में टैक्स बेस वही का वही रहता है, तो हम डीटी डिटेल बनाते थे। आपको याद होगा सिंपल इक्विटी मेथड, मैंने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट खरीदा 500 रुपीस में, इक्विटी मेथड के हिसाब से वो 600 हो गया, बट सरकार की नेचर में वो कॉस्ट 500 ही रहेगा, तो उस वजह से हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट डीटीएल बनता था, हम डिटेल बनाते थे यहाँ पर। बट एएस 22 उसमें डील नहीं करते, ओसीए वगैरह इंडेस में लगता है बट एएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखना, कन्विंसिंग अदर एविडेंस सिर्फ चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी, बट एएस के अंदर आपका वर्चुअल सर्टिनिटी वर्ड था जो आपको ध्यान में रखना। बस खत्म, बात खत्म। बैलेंसड अप्रोच, इधर इनकम अप्रोच, मैंने डबल डबल रिवाइज भी करा दिया और आपको अच्छे से फटाफट से दो चैप्टर का मैंने करवा दिया, बस एक ही बचता हमारा। टाइमिंग कितना, 18 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, और एक बस बचा है वो 2-3 मिनट में करवा दूंगा फटाफट से। इंडेस 116 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगा इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपके साथ डिस्कस करूंगा। बताइए अभी तक समझ में आया कि नहीं है, बताओ अभी तक समझ में आया कि नहीं है, जितना मैंने बताया सब कुछ सही है ना, समझ में आ गया ना एकदम अच्छे से, बोलो फटाफट से, ठीक है, जा रहा है ना दिमाग में। अगर मैं इंडेस 17 इंडेस 116 की बात करूँ, आप इसे इंडेस 117 इंडेस 17 पकड़ो या फिर अब इसे एएस 19 पकड़ो, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक साथ ही दोनों को बता दूंगा, अलग अलग बताने की कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम लीज डेफिनेशन की बात करें तो इंडेस में या फिर इंडेस 17 पुराना वाला या एएस में हम देखते थे कि अगर हमने यूज करने का राइट दिया पास वाले को वो लीज मान लिया जाता था, बट इंडेस 116 में डेफिनेशन बहुत बड़ा है, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट है ना इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो
तो वहां पर हम पूरा डेफिनेशन में देखते थे, राइट टू डायरेक्ट द यूज भी होना चाहिए, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा था, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन, राइट, पूरा डेफिनेशन इंडेस 116 में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एस में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हमने यूज करने के लिए राइट दे दिया, मतलब वो सिंपल लीज बन जाता था। और एक बात आपको और यहाँ पर मैं बता दूँ, शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन, लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट इंडेस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता था। इंडेस 116 में शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन ले सकते हो, लो वैल्यू एसेट का लीज का एग्जम्पशन ले सकते हो, आपको लीज उसे मानना ही नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हो। बट एएस में, एएस 19 या इंडेस 17 में ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया गया, ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं वहां पर। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें लीज क्लासिफिकेशन में, AS 19 बोल दो या पुराना इंडेस 17 बोल दो, वहां पर हम लीसी के मामले में भी ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज क्लासिफाई करते थे, बट इंडेस 116 में हम ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज क्लासिफाई नहीं करते, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका आरओयू एसेट दिखता, लीज लायबिलिटी दिखता फॉर द पर्पस ऑफ लीसी, लीसी के लिए हम आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी दिखाते, मतलब सिंगल रिकॉग्निशन अप्रोच है, और वहां पर ड्यूअल था ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, ये मैंने आपको फटाफट से बता दिया। फिर लीज पेमेंट के मामले में अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म लीसी जो है ना वो फाइनेंस लीज में क्या अमाउंट रिकॉग्नाइज करता था, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स या फिर फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। ये एएस में ऐसा गाइडेंस था पुराना एएस में, बट इंडेस में ऐसा कुछ भी नहीं। इंडेस में आपके जो भी फ्यूचर के लीज रेंटल्स है, जो भी आपके लीज पेमेंट है, इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट और टर्मिनेशन पेनल्टी वगैरह, हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा था ना, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, एक्सरसाइज ऑफ परचेस ऑप्शन वगैरह, वो बहुत सारा चीज हमने पढ़ा था, तो वो सबका कंबाइन मिला के प्रेजेंट वैल्यू में खींचा जाता, उतना ही लीज लायबिलिटी दिखाते, उतना ही आरओयू एसेट दिखाते, तो वो फर्क हमारा यहाँ पर था। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, आपको याद होगा इंडेक्स में हम रीअसेसमेंट करते थे, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि जो एक्सटेंशन ऑप्शन है हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम रीजनेबली सर्टेन ही कि हम एक्सरसाइज करेंगे, बट बाद में उसे इंक्लूड कर सकते, तो हम रीअसेस करते थे। परचेस ऑप्शन को भी रीअसेसमेंट किया जा सकता है ना, मोडिफिकेशन भी हम कर सकते इंडेस में, बट पुराना इंडेस 17 या एएस 19 में ऐसा कुछ था ही नहीं, रीअसेसमेंट और मोडिफिकेशन के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर, रीअसेसमेंट और मोडिफिकेशन के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। आप ये समझ लीजिए मोडिफिकेशन और रीअसेसमेंट के मामले में पुराना इंडेस 17 और एएस कुछ नहीं बोलता था, बट इंडेस 116 में पूरा क्लेरिफिकेशन दिया हुआ और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको बताया गया कि आप कैसे मॉडिफिकेशन वगैरह करोगे आप यहाँ पर। फिर इसके अलावा प्रेजेंटेशन के मामले में भी इंडेस गाइडेंस देता है आपको कि आरओयू एसेट को आप सेपरेट लाइन आइटम दिखा सकते हो, है ना, या फिर अदर एसेट्स के साथ मिला के दिखा सकते हो, वो सारा गाइडेंस देता है, बट इंडेस 17 या पुराना एएस 19 में ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं यहाँ पर, बस खत्म यहाँ पर। और ऑपरेटिंग इनकम जो ऑपरेटिंग लीज था पुराना अगर इंडेस 17 के सर में बात करो, इंडेस 17 पुराना वाला में ऑपरेटिंग लीज के मामले में बस आप ये ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हम लीज को बढ़ा के दिखा सकते थे, ऐसा कुछ था। बट आपका ऑपरेटिंग लीज की बात करो, मैं ऑपरेटिंग लीज में हमारा इंडेस 116 सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं करता, वो बस इतना बोलता है कि आप स्ट्रेट लाइन में दिखाओ या फिर कोई अदर सिस्टमेटिक बेसिस में आप क्या करो अपना ऑपरेटिंग लीज इनकम दिखाओ, है ना। आप अगर मुझे बोलोगे सर लीसी के मामले में तो अब याद करो आपने जो रेट या फिर सीपीआई उसके डिफरेंस आप दिखाते थे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग लीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर हम स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं फिर अनदर सिस्टमेटिक बेसिस में दिखाते हैं, बट अगर आप पुराने इंडेस 17 की बात करोगे तो वहां पर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाने से भी चलेगा, थोड़ा बड़ा के ऑपरेटिंग लीज इनकम भी दिखा सकते, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अभी समझ में भी सही कम आएगा, उसके बारे में डिटेल में बात करना पड़ेगा, मतलब नहीं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो फटाफट से जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। आई थिंक अगर कुछ यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह कुछ छोटा मोटा आया तो मेरे ख्याल से अब आप संभालोगे, तो मुझे अब बता दीजिए फटाफट से। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे पढ़ाया आपको, जो आया मन में मैंने बोला और पढ़ाया, तो मैं नहीं मानता कि मेरा बेस्ट वीडियो है, 50% भी नहीं है मेरा वीडियो जो मैंने अभी आपको समझाया, बट जितना मुझे लगा उतना मैंने फटाफट से आपको बता दिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बट अगर आप बोलो सर आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया सर, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ मैंने एग्जाम के हिसाब से फटाफट से गो थ्रू कराया, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कुछ तो गया होगा। किसी को बस इतना ध्यान में रख लेना, डेट सेट, बस बात खत्म। और अब बोले सर कहाँ से पढ़ा इसका नोट्स दे, तो क्या करोगे नोट्स लेके, नोट्स देख के खुद पढ़ोगे, इससे चाहे मेरी बात सुन लो कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। तो इसकी और ऐसे अगर नोट चाहिए तो मैंने आईसी का मटेरियल से सीधा पढ़ाया, बस बात खत्म। तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया, तो अभी आप जा सकते हैं फटाफट से जाइए, जिसको जिसको जो जो रिवाइज करना है वो फटाफट से जाइए और जाके रिवाइज कीजिए, यहाँ पर समय खराब करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और आज के इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा आपको लाइक करो, जरूरत नहीं है, आप बस जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस सर मेहनत कर ली है काफी, अब आपके बेस्ट विशेस से मेरा बेस्ट विशेस आप सभी के लिए,
एंड में महादेव भोले बाबा से प्रार्थना भी करूंगा कि वो आप सभी की विशेष को पूरी करे और अच्छा करे, आपका जो भी करे अच्छा करे। एंड भगवान की प्रार्थना करना कल भी भगवान से प्रे करके जाना एंड वो सब अच्छा ही करेंगे। और बस एक और बात बोलना चाहूंगा, कल एग्जाम जब देने जाओगे तो एग्जाम टाइम में ना पेपर चाहे कैसा भी हो, चाहे वो ईजी हो चाहे टफ हो, पैनिक मत करना। आप बस ये सोचना कि बस घूमने आए, हम गार्डन में आए घूमने के लिए, 3 घंटा घूमेंगे लिखेंगे और चले जाएंगे। आप बस वही फील आना, जब कभी भी स्ट्रेस वगैरह आएगा आप ये सोचना, जैसे बोलते हैं ना रोहित शर्मा बोलते हैं ना गार्डन में घूमना नहीं है, लेकिन आप बोले हम गार्डन में घूमने के लिए आए, हम 3 घंटा 3.25 घंटा हमारे क्लासरूम को गार्डन समझ लेना और एकदम आराम से शांति से लिखना, एकदम शांति से लिखना 3 घंटा 3.25 घंटा अच्छे से और लिख के आ जाना। कोई डरने की जरूरत नहीं, पेपर कैसा ही आए आपको जितना नॉलेज है उतना आप लिख के आओगे, वहां पर आप लेजीनेस नहीं दिखाओगे, मतलब कामचोर नहीं बनोगे, है ना। लिखोगे जितना आता है अच्छे से लिखोगे, मेहनत करोगे, कभी कभी आपका प्रेशर भी वो टेस्ट करता है, तो आपको क्वेश्चन अगर उटपटांग भी दिखे तो उसको भी ट्राई करोगे आप, जितना आपको नॉलेज है उतना लिख के छोड़ के मत आना, बस ये ध्यान रखना, इतना ही मैं आपको बस बोलूंगा, है ना। और बाकी भगवान पे छोड़ देन, और उसके बाद जैसे ही आपका वो खत्म होता है कल का पेपर, 7 बजे हम हाजिर हो जाएंगे यहाँ पर, 7 बजे मैं आपके साथ मैराथन डिस्कस करूंगा, जहाँ पहले डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे, मेरा प्लान है, फिर IRRM डिस्कस करेंगे, फिर फॉरेक्स डिस्कस करेंगे, फिर IFM डिस्कस करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। रिसेंटली मैंने 2-2 घंटे का रिविजनरी वीडियो लेके डाला हुआ है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन साइड 2.5-3 घंटे का, 2.5 घंटे का वो मैंने डाला हुआ ऑलरेडी, तो वो वहां से आप देख सकते हो, 3-4 दिन पहले मैंने लिया था, वो सब मिल जाएगा आपको। मर्जर्स भी आई थिंक है रिविजन वीडियो, वहां से आप देख सकते हो आराम से। बाकियों का भी है डिटेल वाला है, कलम फटाफट से क्विकली सारे क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन फटाफट आपको मैं रिवाइज करा दूँ, चल ठीक है। तो चलो अब आप जा सकते हो, अब जाइए फटाफट से, पढ़ाई कीजिए अच्छे से जितना हो सकता है, समय खराब मत कीजिए। किसी को मेरे से कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, बाकी लोग बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर अपना टाइम खराब मत कीजिए, फटाफट से चले जाइए यहाँ पर स्टेशन में। आप और कुछ नहीं पढ़ाने का है, बता दिया जितना बताना था। सर सो जाओ, 2 बज गए। अरे कहाँ, मुझे नींद ही नहीं आती कितने दिनों से, मैं सुबह सोता हूँ 4-5 बजे, कभी 6 बजे सोता हूँ मैं, मुझे कब, आप लोगों को तो पूरे एग्जाम खत्म होने के बाद नींद आएगी, मुझे पता मुझे नींद आएगी कल मैराथन लेने के बाद, परसों से मैं फ्री हो जाऊंगा तब मुझे अच्छे से। हमेशा होता है पेपर हमारे, बट नींद आपकी उड़ी हुई, मेरे हमेशा होता है, मुझे मेरे घर वाले को भी पता है कि हमेशा एग्जाम टाइम में इसकी भी नींद उड़ी हुई रहती है, सबको पता है, मुझे नींद ही नहीं आती इस टाइम। आप भी सो जाओ सर, नहीं अभी तो टाइम है सोने में, सुबह के 4-5 बजेंगे। कल कैपिटल बजटिंग कर लेंगे प्लीज इफ पॉसिबल, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कैपिटल बजटिंग को भी इंक्लूड कर, कोशिश करूँ, ठीक है। पहले जो जो ये सब चैप्टर है वो कर लेंगे, फिर इफ पॉसिबल कैपिटल बजटिंग भी करवाने की कोशिश करूंगा। MCQ या पहले डिस्क्रिप्टिव, देखिए आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आता है वो करिए। मेरा मानना है MCQ पहले कर लीजिए, दिख रहा है MCQ में यही आते हैं, फटाफट निपटाओ ना, सिक्योर मार्क्स मिलेंगे, वहाँ तो मार्क्स कटने का स्कोप भी नहीं है अगर करेक्ट किया आपने, तो मेरे हिसाब से MCQ पहले निपटाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने करेक्ट किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्शन का कोई स्कोप नहीं। एंड में करोगे क्या पता टाइम बचेगा नहीं, हर बड़ी में गलती कर दोगे, MCQ से भी हाथ धोगे, हाथ धो बैठोगे, तो वो गलती मत कीजिए। अब एग्जाम पूछ रहे कल कौन सा इंडेक्स करना, अरे भाई जो बच्चा वो करो जितना जल्दी हो सके, सारे के सारे गो थ्रू करके निपटाओ। यस, MCQ अच्छे से कर लो, फिर डिस्क्रिप्टिव कर लेना। कल कितने बजे मैराथन है, कल शाम को 7 बजे, 7 PM को, आपकी और हमारी मेहनत ऐसे को दिखानी, यस हमें मेहनत दिखानी है, एंड अच्छे से मेहनत करिए अभी, और बेस्ट विशेस आप सभी को, भोले बाबा आप सभी की विशेस को पूरी करें, एंड आप जल्द से जल्द CA बन जाओ और एक स्टेप आगे बढ़ो अपने फ्यूचर के प्रति, ठीक है। सर 5 टाइम से मैंने नोटिस किया है, आपको ऐसा लगता है आपका एग्ज़ाम है बच्चों। यस सचिन जी, मैं आपको पहचान भी गया, और ये सही बोला, मतलब हमेशा ऐसा होते हैं सचिन जी, तो CA बन भी गए आप, शायद आप सचिन जो बोल रहे हैं, सचिन झा, मैं पहचान गया आपको। इस 4 आवर्स स्लीप इज इनफ विनय जी, वो अलग अलग बॉडी पर डिपेंड करते हैं, आपकी बॉडी 4 घंटे की नींद में हो जाती है अच्छे से तो 4 घंटे सो, मेरे हिसाब से इनफ, मेरे लिए भी 4 घंटे इनफ रहता है एग्जाम टाइम में। सर लिविंग 33, 21, 7 और शुड आई डू एनी वन ऑफ इट, हो सके तो आप 33 और 7 कर लो फटाफट। रिविजनरी वीडियो में मैंने 7 1 घंटे में करा, 33 भी 1 घंटे 1.25 घंटे में करवाया,
तो फटाफट से कर लो ना, जो रिविजनरी वीडियो भी रिसेंटली मैंने जो लाइव लिया था, फटाफट से कर लो इफ पॉसिबल। ठीक है, क्या अभी 111 का क्रक्स बता दो, कोई मतलब ही नहीं है अभी, छोड़ो, नहीं हुआ तो छोड़ दो चैप्टर को, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है चैप्टर। हेलो सर, आई हैव कंप्लीटेड माय सी बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम हियर, थैंक यू सो मच सब जी, आपकी वजह से आज सी हूँ, थैंक यू सर। सजिया जी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सचिन जी, मैंने पहचान लिया आपकी वजह से, आई गेन कॉन्फिडेंस इन एफर, थैंक यू सो मच। पूरा डर लग रहा है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है चलो, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, टाटा बाय बाय एवरीवन। ठीक है चलो, बाय बाय, और समय आपका खराब नहीं करूंगा, नहीं तो अब यहीं रह जाओगे, फिर पढ़ाई नहीं करोगे आप, दिक्कत हो जाएगी ना। अभी आपके लिए एक एक मिनट कीमती है, तो जाइए फटाफट से पढ़ाई कीजिए। हेलो जी बोले, क्वालिफाइड इन नवंबर 23, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी सब भी देखना, आगे क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसके बाद भी आप लोग भी आना बाद में, जब आगे दूसरे बच्चों को पढ़ाऊंगा तब। कई दिन से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, बार बार सपने में भी आ गए। अच्छा, दो बार सपने में भी आ गए, क्या बात है। अच्छा, अभी तो मैं ही सपनों में आऊंगा ना, सपनों का राजा। चलो बाय बाय, फॉर दिस लाइव क्लास आपका एफएम लेक्चर कंप्लीट किया फॉर नवंबर 24, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते। अरे थैंक यू सो मच विश्वा जी, आई थिंक आपका एफआर में एग्जामिनेशन है तभी आप एफएम पढ़ रहे हो। सर देख रहे हो ना, पास होने के बाद भी आपके लेक्चर्स देखते हैं हम भी, हाँ हम भी सजिया के, हाँ अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है चलिए, बाय बाय एवरीवन।